अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ हसनैन मुआविया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल रेमबो डॉट सर्वेयर। आज हम आपको बताएंगे कि किसी जो हमारी ड्राइंग हो मीटरों के अंदर हो उसको फुटों के अंदर कैसे चेंज किया जाता है। ये मेरे पास एक ड्राइंग है जो मीटरों के अंदर है, इसको अभी हम चेंज करके दिखाएंगे कि ये कन्वर्ट करेंगे फोटो के अंदर ये कैसे होती है। मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि कहीं से कोई आपसे गलती ना। पेज ओपन कर लेना है ऑटोकैड का। ये मैंने एक नया पेज ओपन कर लिया है। उसके बाद इसकी ग्रिड लाइनें जो हैं उसको ख़त्म कर देनी है, कंट्रोल जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप नए हो और ऑटोकैड सीखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल के अंदर बेसिक वीडियोस वगैरह जो हैं ऑटोकैड की वो डाली हुई हैं। आप प्रॉपर 1-to-1 वीडियो देखो, और मैं डेली बेस पे एक वीडियो लगा रहा हूँ तो इंशाल्लाह प्रॉपर आप ऑटोकैड सीख जाओगे घर बैठे आसानी के साथ, और बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसका यूनिट सेट कर लेना है। जो नया पेज, ये मेरा नया पेज ओपन हो चुका है, इसका यूनिट सेट करना है, UN इंटर करना है, आर्किटेक्चर कर देना है जिसमें रखना चाहते हो। मैं रखना चाहता हूँ 0 फिडल 0 आधे इंच के ऊपर, ये इंचेज में होना चाहिए। इसको ओके कर देना है, फिर चले जाना है डी इंटर, सेट करंट न्यू मॉडिफाई में चले जाना है, प्राइमरी यूनिट में चले जाना है। इधर भी वही कर देना है जो हमने उधर चेंज किया, आर्किटेक्चर कर देना है, 0 फिट आधा इंच कर देना है, ओके कर देना है, यस कर देना है। अभी ये मेरा पेज सेट हो गया है ताकि कोई भी मैं इधर नीचा लूँगा या कोई करूँगा ये मुझे फोटो में दिखाएगी। मिसाल के तौर पे मैं एक लाइन इधर ले लेता हूँ 10 फुट की। अभी मैं चेक करूँगा इसकी डिमेंशन, ये वाकई 10 फुट, ये मेरा पेज जो है सेट हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखो, ये 10 फुट शो हो रहा है, वाकई ये चेंज हो गया है। तो अभी क्या करूँगा, मैं उस ड्राइंग में चला जाऊँगा जो मेरा प्लान पड़ा हुआ था, जिसको मैंने मीटर में पड़ा हुआ था, जिसको मैंने चेंज करना था फुटों के अंदर। इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऑल कंट्रोल सी कर देना है, उसमें वापस चले जाना है जो आप लोगों ने नया पेज ओपन किया हुआ है और उसका यूनिट वगैरह सेट किए हुए हैं, कंट्रोल प्लस वी कर देना है। आपके पास इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो, उधर तो मेरे पास ये डिमेंशनें थी, ये 7.602, ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, 7.620। तो इधर जो मेरे पास डिमेंशन आ रही है वो 7.5 इंच आ रही है। अभी मैं इसको सेट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे सेट होगा। SC इंटर करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है, इंटर करना है, किसी एक किनारे को पकड़ लेना है। आपका आर्थो मोड ऑन होना चाहिए, आर्थो मोड ऑन कर लेना है। 39.37 सॉरी 37.01, इसको नोट कर लेना है। ये 39.37.01 कोई भी मीटरों में ड्रैंग हो उसको अगर फुटू में कन्वर्ट कर रहे हो, ये स्केल फैक्टर लगेगा आपका 39.37.01। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भले ले लो, इंटर कर देना है। आपके पास ये ड्रैंग बन गई है। तो ये देखो, ये मेरी ड्राइंग 25 फिट की थी। अब वैसे चेक भी कर सकते हो,
25 फीट कितने के बराबर होता है वो भी चेक कर सकते हो। अच्छा पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, आप गूगल में चले जाओ, 1 मीटर बराबर है इंच लिखो। 1 मीटर मेरा किसके बराबर होता है, 39.3701, जो मैंने स्केल फैक्टर यूज किया है। अभी आप इधर देख लो कि 25 फीट कितने मीटर, 25 फीट कितने मीटर के बराबर होता है, इधर लिख लो। 25 फीट 2 मीटर, ये देखो ये वही आया जो मेरे पास डिमेंशन पहले आ रही थी। आपको मैं पुरानी ड्राइंग ओपन करके दिखाता हूँ, यही डिमेंशन थी आपके पास, ये बराबर है। क्या आया, 25 फीट के बराबर आ गया। तो मैंने गूगल पे जब वैसे भी चेक किया है, इसकी कैलकुलेशन आप जब करोगे, ये कैलकुलेटर के तौर पे और ये इसकी गूगल में जो दी हुई है, 25 फीट बराबर है क्या है, 7.62 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मेरी ड्राइंग कन्वर्ट हो गई है। अब इसको मिलीमीटर में आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये सॉरी फिट के अंदर यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप डिमेंशन निकालोगे तो वो फिट के अंदर ही निकलेगी। अगर कोई भी डिमेंशन निकाल रहे हो फिट के अंदर निकलेगी, तो इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना है, 4 फीट दिखा रहा है। अगर इसकी डिमेंशन को आप लोगों ने बढ़ाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है, टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इसको नीचे लेके जाना है। टेक्स्ट है 0, ये टेक्स्ट हाइट क्या है, 0 इंच दिया हुआ है, मैं इसको 5 इंच कर देता हूँ। तो इससे मजीद काम भी कर सकता हूँ, 5 इंच के ऊपर मेरा क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी ड्राइंग चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको फिट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ बआसानी के साथ। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये हमने तो मीटर वाली ड्राइंग को फोटो के अंदर किया है, तो अगर आप लोगों ने फोटो वाली ड्राइंग को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि फुटनों वाली ड्राइंग को मीटरों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हो, जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ फुटनों वाली ड्राइंग को मीटरों में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके।